इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद एक देश एक चुनाव पर क्या कुछ कहा है ये भी देखिए। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए NDA सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इस इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन दो फेजेस में होगा जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत जिला पंचायत ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं चाहे म्यूनिसपैलिटीज़ हो चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। और एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, चलने वाला नहीं है, चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं, देश के लोग मानने वाले नहीं है। ये देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जब बातें कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको ऐसी चीजें बात करने के लिए इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के कदम को ऐतिहासिक बताया तो कांग्रेस ने इसे महज शिगुफा करार दिया। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन, देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं, ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू समय इसको रोक दिया था। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यूटर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा, क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा, किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका ध्यान भटक सकता है हमारा नहीं भटकेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला देश हित में लिया गया है, तो जेडीयू ने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से विकास की गति तेज होगी। जो निर्णय कर रहे हैं ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं, देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं, एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे खर्चा भी कम होगा, विकास की गति भी देश के अंदर बढ़ेगी, बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा, मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होंगे, समय समय पर चुनाव की वजह से योजनाओं की जो निरंतरता है वो बाधित होती रहती थी, उन्हें भी निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जा सकेगा। और उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी लोकतांत्रिक विचार को मानती ही नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला देश हित में होगा तो कांग्रेस अपनी राय जरूर रखेगी। देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगुफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को, किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की उस पर भी काम करना था, क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है,
41 करोड़पति और बने इस साल, पर गरीब कितने हुए इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार, 2 साल बाद सरकार गिर जाती है कहीं की, किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है।